आज लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का चुनाव हो रहा है। इस फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत भी दांव पर है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। वहीं आज अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की 92 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। लेकिन इस बीच जो खबरें निकल के सामने आ रही है, उसके अनुसार आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब तक सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। जी हां, सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। इन चंद घंटों में 33% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इस बीच 4 घंटे के अंदर, या 4 घंटे से ज्यादा कह लीजिए, इसके अंदर मतदान काफी ज्यादा संख्या में हुई है। बंगाल में 34% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो विधानसभा चुनाव में 15% से लोकसभा में 20% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पे 14%, त्रिपुरा में 13%, मेघालय में 12%, उत्तर प्रदेश में भी 12%, छत्तीसगढ़ में 12%, असम में 11.15%, राजस्थान में 10.67%, जम्मू कश्मीर में 10.43%, उत्तराखंड में 10.41%। इसी तरह बिहार, मिजोरम, यानी कि कुल मिलाकर जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में अब तक यानी कि 34% से भी ज्यादा मतदान हो चुके हैं। इस दौरान कई जगह से छिटपुट हिंसा की भी खबरें आई हैं। इस बीच राजभवन पीस रूम में लगातार फोन की घंटियां बज रही है और जगह जगह से शिकायतें की खबरें भी आ रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से कहा गया है कि राजभवन में शांति कक्ष लेकर सीईओ कार्यालय तक सुबह से ही हालांकि कोई भी तरह की शिकायत यहां पे जमा नहीं हुई है। आपको बता दें, पहले चरण का मतदान बंगाल में चल रहा है और यहां पे अलीपुरद्वार, कूचबिहार और जलपाईगुड़ी में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है।